जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए कि जो मेरा जीवन रहा है वो कैसा रहा है पहले और अब की जो मेरी स्थिति है, मतलब जब मेरे पास में जॉब नहीं था तब मेरे परिवार की स्थिति क्या थी और आज मेरे परिवार की स्थिति क्या क्या है, इसके बारे में पूरा वीडियो है दोस्तों। मैं इस वीडियो में पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जॉब मैंने 4 साल की जो सर्विस की है इसके दौरान मेरे परिवार की स्थिति में कितना बदलाव आ गया या मेरी खुद की स्थिति में कितना बदलाव आ गया और आज का और पहले की जो मेरा जीवन स्तर है उसमें कितना बदलाव आ गया। साथ ही बता दूँ दोस्तों, अगर आप SSC GD आर्मी या इनकी तैयारी कर रहे हो तो मैंने इनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। CRPF की ड्यूटी, BSF ड्यूटी, CISF ड्यूटी, इनकी ड्यूटियों के बारे में भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं हमेशा नीचे देता हूं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बताऊँ, अगर मेरी पहले की स्थिति बताऊँ, जैसे मैंने ये ज्वाइन किया था 21 मार्च 2017, तो शुरुआती जो मेरा जीवन था वो बहुत कष्ट भरा रहा है क्योंकि बहुत गरीब स्थिति से बिलोंग करता हूँ मैं, काफ़ी मतलब कष्टदायी जीवन जिया हमने। तो उस समय अगर मान लो आप स्थिति, अगर परिवार की स्थिति बात करो तो हमारी पूरी साल की अर्निंग 50,000 के आसपास होगी, पूरे साल की अर्निंग, इससे ज़्यादा नहीं थी। 2012 के आसपास जब मैं 12th क्लास पास हुआ, पूरे साल की अर्निंग थी वो 50,000 रुपये थी और आज के मेरे एक मंथ की अर्निंग 50,000 है। तो मतलब एक साल में 50,000 रुपये और एक मंथ में 50,000 रुपये, कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप खुद ही देख पा रहे हो। क्योंकि मेरे फादर बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे जब मैं छोटा सा था तभी, और मेरी मदर ने ही घर चलाया ज़्यादातर हमारा। फिर मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने घर संभाल लिया था, लेकिन फिर भी वो भी प्राइवेट ही जॉब करते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी हमारी। फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ के फिर मैंने 3 साल कोचिंग करने के बाद फिर मैंने खुद ने अपना कोचिंग सेंटर ओपन करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी थी, तब से हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक होने लगी दोस्तों। मैं 1 ही साल कोचिंग चलाया था, उसके बाद में 1 से 1.5 साल उसके बाद मेरी SSGD से ये ज्वाइनिंग आ गई थी। और अब आप देख लीजिए कि जिस इंसान के पूरे परिवार की या इनकम 50,000 के आसपास थी एक टाइम पे 2012 के आसपास, मतलब पूरे साल की इनकम अगर माने तो 50,000 के आसपास, और आज मेरी मंथली इनकम इतनी है दोस्तों। तो इसका क्रेडिट आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब है या आपको फौज में अगर आप जॉब करते हो तो ये तो फ़ायदा होता ही होता है आपको कि आपका जीवन स्तर चेंज होता है फाइनेंशियली, लेकिन साथ में आपकी इज्जत रिस्पेक्ट अपने आप ही बन जाती है दोस्तों गांव समाज में। आपको उससे पहले जो लोग आपको मतलब कुछ भी नहीं समझते थे, आप एक बात याद रखना ज़िंदगी में, आपके आसपास के लोग या जो आपको जानते हैं वो लोग हमेशा नेगेटिविटी की बात करेंगे दोस्तों कि कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सफलता का असली मज़ा आप मान के चलिए, जो सफल होता है इंसान को उसको असली मज़ा कब आता है कि जब उसको सब ये बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा और वो कुछ करके दिखा दें, तो वो सफलता का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उस समय, जब आपसे लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसी समय वो बंदा कुछ करके दिखा दे तो उसको बोलते हैं सफलता का असली मज़ा। आपके आसपास भी ऐसा हो रहा होगा, जो लोग आपको जानते हैं वो ज़रूर आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रखे होंगे कि कुछ नहीं होगा, क्या है फौज में, क्या है वहाँ पर, तो ऐसे होता है, वो जॉब तो ऐसे। नहीं दोस्तों, कोई जॉब ख़राब नहीं है, लेकिन आप अगर फौज में ज्वाइन करते हो तो उसमें सबसे बढ़िया आपको रिस्पेक्ट, आपको पता ही हमारे देश में जो भी फौजी इंसान है उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। तो गाँव समाज में जब भी आप जाओगे तो आपसे कोई भी इंसान बात करेगा ना, खुश होकर बात करेगा कि भाई फौजी छुट्टी आ गया, वापस कब जाएगा, इस बारे में आपसे की बात होगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन शैली एकदम से चेंज हो जाएगी दोस्तों। जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे वो आज आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तो आपके जीवन का जो स्तर है, परिवार का जो स्तर है, अपने आप हो जाएगा। आपके गाँव में आपके बापू की मदर जब चलेंगे ना, उनको एक अलग ही इज्जत आप पहना दोगे ये जॉब लेके कि हाँ भाई मेरा बेटा फौजी है, उनको एक अलग ही पहचान दे दोगे, उनको एक अलग ही खुशी दे दोगे आप मान के चलिए। तो मतलब आपका पूरा का पूरा जीवन, मतलब एक दिन जिस दिन आपको जॉब लग गया और जिस दिन आप ट्रेनिंग करने चले गए, आप जो फौज में भर्ती होगे, जब ट्रेनिंग कर लोगे, जब छुट्टी जाओगे, उस दिन आप खुद देखोगे कि आज से 12 महीने पहले जब मैं इस गाँव में था तब मेरी कितनी इज्जत थी और मेरे परिवार की कितनी इज्जत थी,
और आज जब मेरे पास में मैं फ़ौजी बन गया हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब है, आज मेरी परिवार की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों उस समय हमारे मैंने बताया दिया था 2012 में पूरे साल की अर्निंग 50,000 थी, आज मेरी खुद की अर्निंग एक महीने की 50,000 के आसपास है। तो पूरे साल में 50,000, आज पूरे साल में 6 से 7 लाख रुपये अर्न करता हूँ, तो आप मान लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। तो पूरा जीवन स्तर चेंज हो गया हमारा, घर परिवार घर बना लिया। पहले आप हमारा भी कच्चा मकान ही था, तो आपकी तरह जिस स्थिति में आप उसी स्थिति में हम थे, हम भी कोई शहंशाह के खानदान में पैदा नहीं हुए, गरीब स्थिति से हैं। हमारा भी छोटा सा घर था, कच्चा पक्का जैसा था, अच्छा था, लेकिन आज हमने उसको हटा के दूसरा बढ़िया से शानदार मकान बना लिया दोस्तों। तो आप स्थिति मतलब आप देखना, आप जैसे ज्वाइन करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार की स्थिति कितनी चेंज होगी। लेकिन अगर आप 4 से 5 साल सर्विस कर लोगे, गारंटेड है कि आप जहाँ पे भी रहते हो आप अलग दिखने लग जाओगे, आपका परिवार अलग दिखने लग जाएगा, आपके परिवार को इज्जत सम्मान मिलने लग जाएगा आपके गांव के आसपास के लोगों के। और जो लोग आपके बारे में नेगेटिविटी बोलते थे वही बोलेंगे कि मैं तो पहले ही बोलता था, जब ये दौड़ना जाता था ना लड़का तब भी बोलता था मैं तो ये कुछ करेगा। वो इंसान आपको बोला होगा कि भाई दौड़ भागने से कुछ नहीं है, कमा लो 2,000-10,000 रुपये हैं, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो इंसान जब आप सफल हो जाओगे तो आपके पक्ष में बात बोलेगा कि मैं तो इसको पहले ही बोलता था, ये जब दौड़ता था ना रोड पे तभी मैं तो बोल देता देख के कि ये तो पक्का कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वो फिर बाद में बोलते हैं आपकी सफलता से। तो ये बुलवाना उन लोगों से जो आपके बारे में बोलते हैं कि यार आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। वहाँ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि आप फौज में अगर आपका नंबर भी आ गया तो उसके बाद में भी आपको कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि क्या मतलब है फौज की नौकरी, नौकरी थोड़ी ना होती है। ऐसे बोलने वाले भी बहुत अमान भक्त कि फौज की नौकरी नौकरी थोड़ी ना होती है, वो कहाँ जंगलों में पड़े रहोगे, ये पड़े रहो। नहीं, कोई जंगलों में नहीं है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड मत देखो कि ये जंगल का है, इससे आगे पूरी बिल्डिंग है, वो आपको मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। लेकिन कहीं आप ये मत सोच लेना कि आप रेगुलर जंगल में ही रहते हो, नहीं, इधर मैं इसलिए आता हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि एक तो फ़ोन को रखने की जगह है, दूसरा आपको बिल्डिंग है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, वो नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको पीछे का ये जंगल ही दिखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई केवल जंगल ही है, नहीं, आगे शानदार बिल्डिंग हैं, सब बिल्डिंगों में रहते हैं, कभी कभी जंगल में भी रहना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है, आप कुछ करते हो तो करना ही पड़ता है। आप एक देखते हो किसान पूरे दिन हल जोतता है, पूरे दिन खेती करता है, साहब को कितने रुपए मिलते हैं, 200 से 250 रुपये, 300-400 रुपये पूरे दिन मेहनत करता है, लगा रहता है पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। जो चावल की खेती करते हैं उनकी स्थिति देखना, पूरे दिन लगे रहते हैं, ऐसे कमर टूट जाती है उनके झुके झुके, और 400 से 500 रुपये लास्ट, जबकि आपको पर डे 1500 से 2000 रुपये मिलने लग जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। तो दोस्तों उन लोगों के चक्कर में मत आना, वो बोलते रहते हैं कि भाई फौज की नौकरी 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 होती है, फौज की क्यों नहीं होती, फैमिली रखने की सुविधाएं इसमें। आज आप 20 साल की नौकरी करोगे कम से कम आपको 10 साल फैमिली रखने की सुविधाएं मिल जाएगी, 20 साल भी मिल सकती है लगातार, लेकिन 20 साल कई बार आपको हार्ड एरिया में ड्यूटी मिल जाती है, लेकिन 10 साल तो पक्की मिल जाएगी, इसमें कोई शक ना। तो क्यों नहीं है फौज की नौकरी नौकरी भाई। तो उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, और आपके परिवार की स्थिति आपकी स्थिति पूरी चेंज हो जाएगी। आप ज्वाइन करना, याद रखना, और कोई बात नहीं, ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, मज़ा आएगा ट्रेनिंग में, बस इंजॉय करोगे, लेकिन आपका शरीर और ये सब स्वस्थ होकर बिल्कुल फिटाफिट हो जाओगे। जय हिंद दोस्तों।